एक जबरदस्त एक तो शो में देखने को मिलने वाला है जिसका नाम है पैरासाइड द ग्रो जी हाँ दोस्तों इसका टीजर या ट्रेलर आपने नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख लिया होगा ये हमें एक तो से पाँच अप्रैल दो हज़ार चौबीस को देखने को मिलने वाला है तो आज हम इसी एक तो से बारे में बात करने जा रहे हैं इसके प्री प्रोडक्शन रिलीजिंग कास्टिंग सारी कुछ जानकारी जितनी हो पाएगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आप भी वीडियो को को लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेट कर, से कर लीजिएगा ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग है वो आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तों अब हम इसके बारे में जानना चालू करते हैं पैरासाइट द ग्रे कोरियाई एक आगामी दक्षिण कोरियाई विज्ञान फाई होरर टेलीविजन श्रृंखला है जो योन सांग द्वारा निर्देशित और सह लिखित है श्रृंखला हितोशी इवाकी की मंगा श्रृंखला पैरासाइट का लाइव एक्शन रूपांतरण और इसमें अज्ञात परजीवी प्राणियों के साथ टकराव को दर्शाया गया है जो मनुष्यों पर रहते हैं और हत्या करते हैं इसमें जियोन सोनी कुक्योहवान और ली जंगून शामिल हैं पांच अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज होने वाली है सारांश यह रहस्यमय परजीवी प्राणियों के एक समूह के बारे में है जो बाहरी अंतरिक्ष से गिरते हैं और मनुष्यों की मेजबानी करना उन्हें मारना और अपना खुद का एक गुट बनाना शुरू करते हैं दो कास्ट करें जियोन्सु इनके रूप में जियोन्सोनी एक परजीवी पीड़ित और जब यह उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने में विफल हो जाता है तो वह इसके साथ एक विचित्र सा अस्तित्व में प्रवेश करती है तीन सियोल कांग वो के रूप में कु क्योहवान, वह अपनी लापता बहन को ढूंढने के लिए परजीवियों का पता लगाता है तीन ली जंग ह्यून चोई जून क्यूम के रूप में टीम ग्रे के टीम लीडर परजीवियों से जूझ रही एक टास्क फोर्स तीन चेओल मिन के रूप में क्वन है ह्यो नामिल पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ जासूस चार सेओ के रूप में किम इन मिन का कनिष्ठ जासूस चार उत्पादन विकास वर्किंग टाइटल द ग्रे आई के तहत विकसित पैरासाइट द ग्रे नेटफ्लिक्स और निर्देशक येओन सांग हो के बीच एक सहयोग था पांच श्रृंखला का निर्देशन और लेखन करने के लिए येन और रयू योंग जे ने टीम बनाई है क्लाइमैक्स स्टूडियो और वॉव पॉइंट ने उत्पादन का प्रबंधन किया छस्टिंग कुक्योहवान और जियोन सोनी को श्रृंखला के लिए मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था पांच सात 24 अगस्त 2022 को ली जंग ह्यून के साथ कु और जियोन को आधिकारिक तौर पर श्रृंखला के मुख्य पात्रों के रूप में पुष्टि की गई रिलीज नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि पैरासाइट द ग्रे दुनिया भर में 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी नौ और उसी वर्ष जून तक चलेगी 10 संदर्भ हितोशी इवाकी जापानी हेपबर्न इवाकी हितोशी जन्म 28 जुलाई 1960 एक जापानी मंगा कलाकार हैं जिनके कार्यों में विज्ञान कल्पना बटा डरावनी श्रृंखला पैरासाइट शामिल है कैरियर स्कूल के दौरान वह ओसामु तेजुका द्वारा बहुत सारा मंगा पढ़ रहे थे जिसने उन्हें स्वयं मंगा बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने उन्नीस में मंगा कलाकार काजुओ कामिमुरा के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया उन्नीस में उनकी लघु कहानी उमी ने नवागंतुक पुरस्कार तेतसुयाचिबा पुरस्कार जीता और मॉर्निंग पत्रिका के एक विशेष संस्करण में प्रकाशित हुई तब से उन्होंने मुख्य रूप से कोडनशा विशेष रूप से मासिक दोपहर पत्रिका के लिए काम किया है एक उन्नीस में इवाकी को पैरासाइट के लिए कोडनशा मंगा पुरस्कार मिला। दो दो में हिस्ट्री ने जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल के मंगा डिवीजन में भव्य पुरस्कार जीता। तीन ने उन्हें 2012 हजार बारह तेजुका ओसामो सांस्कृतिक पुरस्कार ग्रैंड पुरस्कार भी दिलाया चार इवाकी ने रीरी पर अपने काम के लिए 2020 हजार बीस सैटो ताकाओ पुरस्कार जीता पांच कार्य गोमिनो उमी उन्नीस सौ पचासी कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन में प्रकाशित छकोनो सुकोनो एक नौ आठ छे एक नौ आठ आठ कोडनशा मॉर्निंग में क्रमबद्ध चारखंड पैरासाइट किसेजु एक नौ आठ नौ एक नौ नौ चार कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन उन्नीस सौ नवासी और मासिक दोपहर एक नौ आठ नौ एक नौ, नौ चार में क्रमबद्ध दस खंड हो नो ओटोजा उन्नीस सौ नब्बे कोडनशा द्वारा प्रकाशित लघु कथा संग्रह खंड तनबाता नो कुनी एक नौ नौ छ नौ 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 शोगा कुकन की बिग कॉमिक स्पिरिट्स में क्रमबद्ध छः चार खंड युकी नो टोगे सुरुगी नो माईजा दो हजार एक सात कोडनशाह के मॉर्निंग शिन मैग्नम जोकन उन्नीस सौ निन्यानवे और रकिता शोटेन के यंग चैंपियन 2000 में प्रकाशित दो कहानियों का संग्रहित संस्करण आठ क्यूरेका जा दो शून्य शून्य एक दो शून्य शून्य दो हकुसेन के यंग एनिमल अर्शी में क्रमबद्ध नौ दस एक खंड हिस्ट्री हिस्टोरी 2003 वर्तमान 2022 से अंतराल पर 11 कोडनशा के मासिक दोपहर में क्रमबद्ध 11 खंड रीरीजा दायसुके मुरोई द्वारा सचित्र दो शून्य एक पांच दो शून्य एक आठ अकिता शोटेन के बेसत्सु शोनेन चैंपियन जामे क्रमबद्ध 6 छः खंड इस कोरियाई नाम में परिवार का नाम योन है योन सांग हो 2016 में योन जन्म 25 दिसंबर 1978, उम्र 45, सियोल दक्षिण कोरिया शिक्षा संगमिन विश्वविद्यालय पश्चिमी चित्रकला व्यवसाय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक सक्रिय वर्ष उन्नीस वर्तमान कोरियाई नाम हंगुल धन्यवाद हंजा संशोधित रोमनीकरण यौन सांग हो मैक्यून रिसचॉयर यून सांग हो योन सांग हो जन्म 25 दिसंबर 1978 एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं उन्होंने अपनी वयस्क एनिमेटेड फिल्मों द किंग ऑफ पिक्स (2011) और द फेक (2013) और लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान (2016) इसके एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन (2016) हजार सोलह और लाइव एक्शन सिक्वल में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की पेनिनसुला 2020 और पहली दक्षिण कोरियाई सुपर हीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस दो है। कैरियर 25 दिसंबर 1978 को सियोल में जन्मे येन सांग होने पश्चिमी चित्रकला में डिग्री के साथ संगमिन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक उन्होंने उन्नीस सौ सत्तानवे में अपनी पहली एनिमेटेड लघु फिल्म मेगालोमेनिया ऑफ डी का निर्देशन किया उसके बाद 2000 में हजार डे और 2002 में द में का निर्देशन किया फिर 2004 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो दादाशो स्थापित किया दो उनकी अगली दो एनिमेटेड लघु फिल्में थीं, द हेल टू काइंड ऑफ लाइफ दो और लव इस प्रोटीन 2008 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आमंत्रित किया गया था द हेल्प टू काइंड ऑफ लाइफ ने शॉर्ट शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया में एशियन गोस्ट अवार्ड और 2007 के लियोन एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल शॉर्ट फिल्म बैटल रॉयल के लिए पब्लिक अवार्ड जीता और लव इस प्रोटीन को प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया 2009 में सेंटियागो डी कंपोस्टेला का 2009 हज़ार नौ कर्टो सर्किट अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव तीन चार लव इस प्रोटीन को बाद में तीन लघु सर्वग्राही इंडी एनीबॉक्स सेलमा प्रोटीन कॉफ़ी में शामिल किया गया पांच ये ने 201 सौ शून्य में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग ट्रेलर का भी निर्देशन किया छ यौन का पहला फीचर लंबाई एनिमेशन द किंग ऑफ पिग्स 2011 था जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने व्यवसाय के दिवालिया हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मार देता है और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त एक भूतलेखक की तलाश करता है पंद्रह साल बाद जब दोनों को किशोरावस्था में गंभीर रूप से परेशान किया गया था माध्यमिक विद्यालय में सातोशी कोन और मिनोरू फुरुया के काम से प्रेरित होकर ये उन ने कहा कि फिल्म की घटनाएं उनके अपने जीवन से ली गई थीं और पटकथा लिखते समय वह रो पड़े सात आठ कम बजट एक लाख पचास हजार अमेरिकी डॉल रग की फिल्म को बदमाशी हिंसा और प्रणालीगत गरीबी और इस तरह के उत्पीड़न के आजीवन प्रभाव के कच्चे चित्रण के साथ साथ सार्वजनिक दृष्टिकोण के मनोविज्ञान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली हीरो फिगर नौ दस यह कांस फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित होने वाली पहली कोरियाई एनिमेटेड फ़िल्म बन गई जहां इसे 2012 डायरेक्टर्स फोर्ट नाइट साइडबार में प्रदर्शित किया गया 11 दिसंबर 2013 इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कोरिया अवार्ड सीजीवी मूवी कोलाज अवार्ड और 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल कोन में नेटपैक अवार्ड शामिल हैं 2012 फैंटासिया इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में एनिमेशन और स्पेशल मेंशन में उपलब्धि के ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रथम फ़ीचर के लिए न्यू फ़्लैश अवार्ड और 2013 हज़ार तेरह जेम्सन डब्लिन इंटरनेशनल फिल्म फ़ेस्टिवल में जूरी पुरस्कार चौदह पंद्रह उनकी अनुवर्ती द विंडो सेना में हिंसा को दर्शाने वाली तीस मिनट की एनिमेटेड लघु फिल्म थी और स्पेस एक स्वतंत्र थिएटर और स्वतंत्र फ़िल्मों के डिजिटल वितरक इंडीप्लग द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंट शॉर्ट फ़िल्म रिलीज़ प्रोजेक्ट की पहली फ़िल्म थी ये ने कहा कि स्क्रिप्ट कार्टूनिस्ट चोई ग्यू सेओक द्वारा सचित्र 100 परसेंट उनकी अनिवार्य सैन्य सेवा करते समय उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी सोलह द विंडो ने 2013 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी से विशेष उल्लेख जीता ये उनने अंधेरे विवादास्पद विषयों के साथ वयस्कों पर लक्षित एनिमेशन बनाना जारी रखा जो क्रूरतापूर्वक और तीक्ष्णता से मानव स्वभाव और सामाजिक यथार्थवाद का पता लगाता है उनकी दूसरी विशेषता द फेक 2013 में संगठित धर्म की आलोचना की गई है जिसमें एक पंथ नेता ग्रामीण अशिक्षित ग्रामीणों को उनके मुआवज़े के पैसे से ठग लेता है जबकि कोई भी उस स्थानीय उपद्रवी पर विश्वास नहीं करता है जो सच्चाई का पता लगाता है पात्रों को ओह जंग से और यांग द्वारा आवाज़ दी गई थी एक जून जिन्होंने पहले लव इस प्रोटीन और द किंग ऑफ पिग्स में अभिनय किया था सत्रह योन ने कहा कि उन्होंने एफटीए और चार प्रमुख नदियों परियोजना के मुद्दों के संबंध में अपने राजनीतिक असंतोष के कारण 2009 में पटकथा लिखी थी अठारह फेक ने 2013 हजार तेरह टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना विश्व प्रीमियर किया और 2013 हजार तेरह गिजोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमाफिक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2013 हजार तेरह सिट्जेस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और 2014 हजार चौदह कोरियाई में एफ आई पी आर एस सी आई पुरस्कार जीता एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स उन्नीस बीस इक्कीस इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे एनिमेटेड फीचर सियोल स्टेशन 2015 में रयू में रयूसोंग रयोंग और क्यूंग को आवाज़ अभिनेताओं के रूप में लिया बाईस येओन ने कहा कि वह एक जोम्बी फिल्म बनाकर समाज के सामूहिक गुस्से को सरल शक्तिशाली तरीके से चित्रित करना चाहते थे जिसमें कोरिया के लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध कर रहे लोगों के बीच लाशें हैं तेईस 2016 में येन ने अपनी पहली लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान रिलीज की जो बुसान जाने वाली ट्रेन में देश में अचानक जोम्बी सर्वनाश शुरू होने और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की घटना पर आधारित है फिल्म को बहुत सारी समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था जिसमें इसके पात्रों और सामाजिक टिप्पणियों के उपयोग की प्रशंसा की गई थी 2020 में एक स्टैंडलोन सीक्वल पेनिनसुला रिलीज किया गया था जिसका निर्देशन भी ये उन ने किया था तेईस फिल्मोग्राफी इस कोरियाई नाम में परिवार का नाम येन है योन सांग हो 2016 में ये उन जन्म 25 दिसंबर 1978, उम्र 45, सियोल दक्षिण कोरिया शिक्षा संगमेन विश्वविद्यालय पश्चिमी चित्रकला व्यवसाय फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक सक्रिय वर्ष उन्नीस सौ सत्तानवे वर्तमान कोरियाई नाम हंगुल धन्यवाद हंजा संशोधित रोमनीकरण यून सांग हो मैकक्यून रिसचॉयर यून सांग हो योन सान हो जन्म 25 दिसंबर 1978 एक दक्षिण कोरियाई फ़िल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं उन्होंने अपनी वयस्क एनिमेटेड फ़िल्मों द किंग ऑफ पिक्स (2011) और द फ़ेक (2013) और लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान (2016) इसके एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन (2016) और लाइव एक्शन सिक्वल में काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की पेनिनसुला 2020 और पहली दक्षिण कोरियाई सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस दो है। कैरियर 25 दिसंबर 1978 को सियोल में जन्मे येन सांग होने पश्चिमी चित्रकला में डिग्री के साथ संगमिन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की एक उन्होंने उन्नीस में अपनी पहली एनिमेटेड लघु फिल्म मेगालोमेनिया ऑफ डी का निर्देशन किया उसके बाद 2000 हजार मेडीडे और 2002 हजार दो में देल का निर्देशन किया फिर 2004 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो दादाशो स्थापित किया दो उनकी अगली दो एनिमेटेड लघु फिल्में थीं: द हेल टू काइंड ऑफ लाइफ 2006 और लव इस प्रोटीन 2008 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आमंत्रित किया गया था द हेल्थ टू काइंड ऑफ लाइफ ने शॉर्ट शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया में एशियन गोस्ट अवार्ड और 2007 के लियोन एशियन फ़िल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल शॉर्ट फिल्म बैटल रॉयल के लिए पब्लिक अवार्ड जीता और लव इस प्रोटीन को प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया 2009 में सेंटियागो डी कॉम्पोस्टेला का 2009 हज़ार नौ सर्किट अंतर्राष्ट्रीय लघु फ़िल्म महोत्सव तीन चार लव इस प्रोटीन को बाद में तीन लघु सर्वग्राही इंडी बॉक्स सेलमा प्रोटीन कॉफी में शामिल किया गया पांच योन ने 201 सौ शून्य में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग ट्रेलर का भी निर्देशन किया योन का पहला फीचर लंबाई एनिमेशन द किंग ऑफ पिग्स 2011 था जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने व्यवसाय के दिवालिया हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मार देता है और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त एक भूतलेखक की तलाश करता है पंद्रह साल बाद जब दोनों को किशोरावस्था में गंभीर रूप से परेशान किया गया था माध्यमिक विद्यालय में सातोशी कोन और मिनोरू फुरुया के काम से प्रेरित होकर ये उनने कहा कि फिल्म की घटनाएं उनके अपने जीवन से ली गई थीं और पटकथा लिखते समय वह रो पड़े सात आठ कम बजट एक लाख पचास हजार अमेरिकी डॉल रग की फिल्म को बदमाशी हिंसा और प्रणालीगत गरीबी और इस तरह के उत्पीड़न के आजीवन प्रभाव के कच्चे चित्रण के साथ साथ सार्वजनिक दृष्टिकोण के मनोविज्ञान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली हीरो फिगर नौ दस यह कांस फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित होने वाली पहली कोरियाई एनिमेटेड फ़िल्म बन गई जहां इसे 2012 डायरेक्टर्स फोर्ट नाइट साइडबार में प्रदर्शित किया गया 11 दिसंबर 2013 इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कोरिया अवार्ड सीजीबी मूवी कोलाज अवार्ड और 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सातोशी कोन में नेटपैक अवार्ड शामिल हैं 2012 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमेशन और स्पेशल मेंशन में उपलब्धि के ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए न्यू फ्लैश अवार्ड और 2013 हज़ार तेरह जेमसन डब्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार चौदह पंद्रह उनकी अनुवर्ती द विंडो सेना में हिंसा को दर्शाने वाली तीस मिनट की एनिमेटेड लघु फिल्म थी और इंडी स्पेस एक स्वतंत्र थियेटर और स्वतंत्र फिल्मों के डिजिटल वितरक इंडीप्लग द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म रिलीज प्रोजेक्ट की पहली फिल्म थी ये उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट कार्टूनिस्ट चोई ग्यू सेओक द्वारा सचित्र 100 परसेंट उनकी अनिवार्य सैन्य सेवा करते समय उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी सोलह द विंडो ने 2013 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी से विशेष उल्लेख जीता ये उनने अंधेरे विवादास्पद विषयों के साथ वयस्कों पर लक्षित एनिमेशन बनाना जारी रखा जो क्रूरतापूर्वक और तीक्ष्णता से मानव स्वभाव और सामाजिक यथार्थवाद का पता लगाता है उनकी दूसरी विशेषता द फेक 2013 में संगठित धर्म की आलोचना की गई है जिसमें एक पंथ नेता ग्रामीण अशिक्षित ग्रामीणों को उनके मुआवज़े के पैसे से ठग लेता है जबकि कोई भी उस स्थानीय उपद्रवी पर विश्वास नहीं करता है जो सच्चाई का पता लगाता है पात्रों को ओह जंग से और यांग द्वारा आवाज़ दी गई थी एक जून जिन्होंने पहले लव इस प्रोटीन और द किंग ऑफ पिग्स में अभिनय किया था सत्रह योन ने कहा कि उन्होंने एफटीए और चार प्रमुख नदियों परियोजना के मुद्दों के संबंध में अपने राजनीतिक असंतोष के कारण 2009 में पटकथा लिखी थी अठारह फेक ने 2013 हजार तेरह टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना विश्व प्रीमियर किया और 2013 हजार तेरह गिजोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमाफिक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2013 हजार तेरह सिट्जेस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और 2014 हजार चौदह कोरियाई में एफ आई पी आर एस सी आई पुरस्कार जीता एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स उन्नीस बीस इक्कीस इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे एनिमेटेड फीचर सियोल स्टेशन 2015 में रयू में रयूसोंग रयोंग और क्यूंग को आवाज़ अभिनेताओं के रूप में लिया बाईस येओन ने कहा कि वह एक जोम्बी फिल्म बनाकर समाज के सामूहिक गुस्से को सरल शक्तिशाली तरीके से चित्रित करना चाहते थे जिसमें कोरिया के लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध कर रहे लोगों के बीच लाशें हैं तेईस पैरासाइट जापानी हेपबर्न किसीजू शाब्दिक रूप से पैरासिटिक बीस्ट सर एक जापानी विज्ञान कथा हॉरर मंगा श्रृंखला है जो हितोशी इवाकी द्वारा लिखित और चित्रित है यह कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन उन्नीस और मासिक दोपहर उन्नीस से उन्नीस चौरानवे में प्रकाशित हुआ था मंगा को उत्तरी अमेरिका में पहले टोक्यो पॉप फिर डेलवे और अंत में कोडनशा यूएसए द्वारा प्रकाशित किया गया था श्रृंखला एक हाई स्कूल सीनियर शिनिची इजुमी पर आधारित है जो एक परजीवी जीव द्वारा उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने के असफल प्रयास का शिकार है इसके बजाय परजीवी उसे संक्रमित करता है और उसकी बाह पर कब्जा कर लेता है मंगा को 2014 और 2015 में जापान में दो लाइव एक्शन फिल्मों में रूपांतरित किया गया है मैडहाउस द्वारा निर्मित एक एनीमे टेलीविज़न श्रृंखला रूपांतरण जिसका शीर्षक पैरासाइट द मैक्सिम ए है अक्टूबर 2014 और मार्च 2015 के बीच जापान में प्रसारित हुआ भाषा डब अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में एडल्ट स्विम के टूनामी प्रोग्रामिंग ब्लॉक पर प्रसारित हुआ अगस्त 2022 तक मंगा की 25 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं जिससे यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली मंगा श्रृंखला में से एक बन गई उन्नीस में पैरासाइट को सामान्य श्रेणी के लिए 17वां कोडनशा मंगा पुरस्कार मिला साथ ही उन्नीस में सर्वश्रेष्ठ मंगा के लिए 27वां व पुरस्कार मिला कथानक यह भी देखें पैरासाइट पात्रों की सूची एक मंगा पैनल जिसमें एक परजीवी को इंसान पर हमला करने के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है पैरासाइट शिनिची इजुमी नाम के सत्रह वर्षीय पुरुष हाई स्कूल छात्र पर केंद्रित है जो जापान के हिरोशिमा के फ़ुकुयामा में एक शांत पड़ोस में अपनी माँ और पिता के साथ रहता है एक रात ड्रिल जैसे सिर वाले छोटे कीड़े जैसे एलियंस जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है पृथ्वी पर आते हैं और अपने मेजबानों के कान या नाक के माध्यम से प्रवेश करके उनके दिमाग पर कब्ज़ा कर लेते हैं एक परजीवी सोते समय शिनिची की नाक में घुसने का प्रयास करता है लेकिन शिनिची के जागने पर असफल हो जाता है और उसकी बाह में बिल बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है जापानी संस्करण में यह उसके दाहिने हाथ को अपने कब्जे में ले लेता है और जापानी शब्द राइट के आधार पर इसका नाम मिगी रखा गया है क्योंकि शिनिची मिगी को अपने मस्तिष्क में आगे बढ़ने से रोकने में सक्षम था दोनों प्राणी अपनी अलग अलग बुद्धि और व्यक्तित्व बनाए रखते हैं जैसे ही दोनों का सामना अन्य परजीवियों से होता है वे उनकी अजीब स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत बंधन बनाते हैं जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते हैं इससे उन्हें अन्य परजीवियों से लड़ने में बढ़त मिलती है जो अक्सर यह एहसास होने पर जोड़े पर हमला करते हैं कि शिनिची का मानव मस्तिष्क अभी भी बरकरार है शिनिची अन्य परजीवियों से लड़ने के लिए मजबूर महसूस कर प्रथा है जो मिगी की मदद लेते हुए जिस प्रजाति को संक्रमित करते हैं उसके अन्य सदस्यों को भोजन के रूप में खा जाते हैं श्रृंखला दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सवालों की पड़ताल करती है जैसे मानवता का अर्थ पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के साथ मनुष्यों का संबंध वृत्ति और प्रेम की भूमिका और नैतिकता की अंतर्निहित मानव केंद्रितता मिगी के साथ शिनिची का अनुभव उसे सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या मानवता को परजीवियों से नैतिक श्रेष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार है जबकि मिगी और रिको तमुरा के मनुष्यों के साथ अनुभव उन्हें प्रेम और बलिदान जैसे अधिक मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं पांच छे विकास इवाकी ने अपने द्वारा सोचे गए एक दृश्य के कारण एक हाई स्कूल सेटिंग को चुना एक दृश्य पर विचार करते समय जहां मिगी सातोमी मुरानो के सामने अपना आकार लिंग में बदल देता है इवाकी का मानना था कि वह दृश्य उस सेटिंग में सबसे अच्छा काम करेगा साथ मीडिया मंगा मुख्य लेख पैरासाइट संस्करणों की सूची हितोषी इवाकी द्वारा लिखित और सचित्र पैरासाइट को पहली बार कोडनशा के मॉर्निंग मॉर्निंग ओपन जोकन के विशेष अंक में एफ से एच अंक एक अगस्त 2003 अक्टूबर उन्नीस नवासी अंक में तीन अध्यायों के लिए प्रकाशित किया गया था 8 सितंबर 2010 11 श्रृंखला को बाद में 25 नवंबर उन्नीस नवासी को प्रकाशक के मासिक दोपहर में स्थानांतरित कर दिया गया बी और 24 दिसंबर उन्नीस को समाप्त हो गया सी शाह ने अपने 64 अध्याय दस टैंकोबोन में एकत्र किए खंड 23 जुलाई 1990, 14 से 23 मार्च उन्नीस सौ तक जारी किए गए 15 इसे बाद में 23 जनवरी से 23 जून 2003 तक आठ कंजेनबैन खंडों में पुनः प्रकाशित किया गया 16, सत्रह इसे मूल रूप से पॉप द्वारा अंग्रेज़ी अनुवाद और उत्तरी अमेरिकी वितरण के लिए लाइसेंस दिया गया था जिसने उन्नीस से 2002 तक 12 खंडों में श्रृंखला प्रकाशित की थी पॉप संस्करण मिक्सस जीन में चला 18 टोक्यो पॉप संस्करण के दैनिक पृष्ठ जापानी मेशन स्टेशन में चलते थे जो अमेरिका ऑनलाइन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ सेवा है उन्नीस पॉप अंग्रेजी भाषा का मंगा दो मई 2005 को प्रिंट से बाहर हो गया बीस डेल रे मंगा ने बाद में श्रृंखला के अधिकार हासिल कर लिए इक्कीस और 2007 और 2009 के बीच कंजेन बन रहा रीस के बाद आठ खंड प्रकाशित किए कोडनशा यूएसए ने 2011 और 2012 के बीच उत्तरी अमेरिका में संस्करणों को पुनः प्रकाशित किया श्रद्धांजलि और उपोत्पाद नियो पैरासाइट एम नियो किसेजू नामक एक श्रद्धांजलि परियोजना जिसमें विभिन्न मंगा कलाकारों द्वारा लिखित और चित्रित विभिन्न वन शॉट्स शामिल हैं और तत्कालीन आगामी एनीमे अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए मूल मंगा पर आधारित मासिक दोपहर पर प्रकाशित होना शुरू हुआ 25 सितंबर 2014 22 सहयोगियों की सूची में अकीरा हिरामोटो तेईस युकारी ताकी नामी चौबीस यासुशी निरासावा पच्चीस हिरोकी एंडो छब्बीस रिची उशीबा सत्ताईस अट्ठाईस रयोजी मिनागावा शामिल हैं उनतीस ताकातोशी कुमाकुरा, तीस पीच पिट इकतीस हिरोमाशी मा बत्तीस मोरे ओहटाजा तैतीस ताकायुकी ताकेया और मोटोहागियो चौंतीस कहानियों को एक एकल खंड में एकत्र किया गया था जिसे 22 जुलाई 2016 को कोडनशा द्वारा प्रकाशित किया गया था 35 उत्तरी अमेरिका में कोडनशा यूएसए ने 21 नवंबर 2017 को यह खंड प्रकाशित किया था 36 एक और श्रद्धांजलि परियोजना जिसका शीर्षक नियो पैरासाइट एफ एफ नियो किसेजो एफ है 27 सितंबर 2014 को कोडनशा के एरिया में शुरू हुई सैतीस सहयोगियों की सूची में मिकी माकी मिकी रिन्नो सैतीस एमाटोयामा फिकारू सुरुगा शामिल हैं अड़तीस असुमिको नाकामुरा, काओरी युकी यूरी यूई कुरो, उनतालीस रेंजुरो किंडाइची बैंको कुजे काशियो चालीस युकी ओबाटा एशिया वतनबे लालाको कोजिमा और हाजी में शिजो इकतालीस कोडांशा ने कहानियों को दो खंडों में संकलित किया जो 24 अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से प्रकाशित हुई बयालीस तैंतालीस कोडांशा यूएसए ने कहानियों को एक एकल खंड में प्रकाशित किया जो 25 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया चवालीस पैरासाइट रिवर्सी किसे जो रिबाशी शीर्षक से एक स्पिन ऑफ मंगा 2 मार्च 2018 को कोडनशा के कॉमिक डेज ऐप पर शुरू हुआ इसे मुआरे ओटा द्वारा लिखा और चित्रित किया गया था पैंतालीस श्रृंखला सात मई 2021 को समाप्त हुई छियालीस सैंतालीस और इसे आठ खंडों में एकत्रित किया गया कोडनशाह ने अपनी के मंगा सेवा पर अंग्रेजी में श्रृंखला प्रकाशित की अड़तालीस एनिमे यह भी देखें पैरासाइट द मैक्सिम एपिसोड की सूची पैरासिटे द मैक्सिम ए किसेजो नो काकुरित्सु शीर्षक से एक एनिमे टेलीविज़न श्रृंखला अनुकूलन 9 अक्टूबर 2014 और 26 मार्च 2015 के बीच निप्पॉन टीवी पर जापान में प्रसारित हुआ उनचास पचास इसका निर्माण मैडहाउस निप्पॉन टेलीविज़न वीएपी और फोरकास्ट कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया था और केनिची शिमिज़ू द्वारा निर्देशित किया गया था जिसमें शोजी योनेमुरा ने श्रृंखला रचना को संभाला था तदाशी हिरामत्सु ने पात्रों को डिजाइन किया था और केन अराई ने संगीत तैयार किया था इक्यावन प्रारंभिक थीम गीत लेट मी हियर है जिसे फियर और लोथिंग इन लास वेगास द्वारा प्रस्तुत किया गया है अंतिम विषय दाइची म्यूरा द्वारा प्रस्तुत यह सही समय है, है। एनीमे एक्सपो दो में सेंटाई फ़िल्मवर्क्स ने घोषणा की कि एनीमे चार अक्टूबर 2015 को एडल्ट स्विम के टूनामी प्रोग्रामिंग ब्लॉक पर चलेगा बावन तिरपन श्रृंखला को एशिया के बाहर क्रंचरोल द्वारा और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में एनिमैक्स एशिया द्वारा एक साथ प्रसारित किया गया था चौवन पचपन छप्पन सेंटाई फिल्म वर्क्स ने उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिलीज के लिए एनीमे को लाइसेंस दिया है सत्तावन यूके डिस्ट्रीब्यूटर एनिमत्सु एंटरटेनमेंट ने यूके और आयरलैंड में श्रृंखला जारी की अठावन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हनाबी ने श्रृंखला हासिल की और इसे क्षेत्र के भीतर जारी किया उनसठ सेंटाई फिल्म वर्क्स द्वारा प्रदान और वितरित अंग्रेजी डब 2016 में डीवीडी और ब्लूरे पर दो भागों में जारी किया गया था भाग एक एपिसोड एक बारह पांच अप्रैल को साठ और भाग दो एपिसोड तेरह चौबीस 5 जुलाई को इकसठ एनीमे लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में कलेक्टर ब्लूरे संस्करण में श्रृंखला जारी करेगा बासठ लाइव एक्शन फिल्में हॉलीवुड की न्यू लाइन सिनेमा ने 2005 में पैरासिटे के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए थे तिरसठ और बताया गया था कि एक फिल्म रूपांतरण पर काम चल रहा था जिसमें जिम हैंसन स्टूडियो और डॉन मर्फी कथित तौर पर उत्पादन के प्रभारी थे चौंसठ न्यू लाइन सिनेमा का विकल्प 2013 में समाप्त हो गया जिससे जापान में बोली युद्ध शुरू हो गया फिल्म स्टूडियो और वितरक तोहों ने अधिकार जीते और मंगा को ताकाशी यामाजा की द्वारा निर्देशित दो भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित करने का निर्णय लिया पहला भाग पैरासाइट पार्ट एक नवंबर 2014 में रिलीज हुआ था और दूसरा भाग पैरासाइट पार्ट दो अप्रैल 2015 में रिलीज हुआ था पैंसठ लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला अगस्त 2022 में नेटफ्लिक्स ने एक दक्षिण कोरियाई श्रृंखला रूपांतरण की घोषणा की जिसका शीर्षक पैरासाइट द ग्रे है इसका निर्देशन येओन सांग हो द्वारा किया जाएगा और इसका निर्माण क्लाइमैक्स स्टूडियो और वॉफ पॉइंट द्वारा किया जाएगा जिसमें जीन सोनी को क्योहवान और ली जंगयून प्रमुख भूमिकाओं में होंगे छियासठ इसका दुनिया भर में प्रीमियर 5 अप्रैल 2024 को होगा सड़सठ और उसी वर्ष जून तक चलेगा अड़सठ स्वागत पैरासाइट ने उन्नीस सौ तिरानवे में सामान्य श्रेणी के लिए सत्रहवां कोडनशा मंगा पुरस्कार जीता उनहत्तर इसने उन्नीस सौ छियानवे में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मंगा होने के लिए सत्ताईसवां सियुन पुरस्कार भी जीता सत्तर टीवी पर असाही का मंगा सोसेन दो हज़ार इक्कीस पोल जिसमें एक लाख पचास हज़ार लोगों ने उनकी शीर्ष एक सौ मंगा श्रृंखलाओं के लिए मतदान किया पैरासाइट साठवें स्थान पर रहा इकहत्तर नवंबर 2013 तक मंगा की 11 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं। उन्नीस दिसंबर 2020 तक मंगा की 24 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं उन्नीस अगस्त 2022 तक इसकी 25 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं चौहत्तर मंगा श्रृंखला की वासेदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साहित्यिक आलोचक नोरिहिरो काटोजा पचहत्तर और दार्शनिक शुनसुकेत सुरुमी द्वारा प्रशंसा और अनुशंसा की गई है छिहत्तर मंगा कलाकार माचिको सातोनाका ने काम की प्रशंसा की और इसे एक उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णित किया जो आपको मूलभूत समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो पहचान स्थापना के बारे में जागरूकता बढ़ाती है सतहत्तर कॉम के कोनी झांग ने पैरासाइट के पहले खंड को एका दर्जा दिया झाम ने लिखा कि श्रृंखला का मुख्य फोकस शिनिची और मिगी के बीच गतिशील संबंध और मानव प्रकृति के बारे में उनकी चर्चा है झाम ने कहा यह आकस्मिक दार्शनिक प्रचार है जो पैरासिटे को एक सेरेब्रल मंगा बनाता है जैसे जैसे पैरासाइट्स धीरे धीरे मानव जीवन के लिए अनुकूल हो जाते हैं और अपनी वास्तविक पहचान छिपाने में चतुर हो जाते हैं शिनिची खुद को अधिक से अधिक खतरे में पाता है उन्होंने निष्कर्ष निकाला पैरासाइट सिर्फ एक किशोर द्वारा दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है यह वयस्कता की दहलीज पर खड़े एक किशोर और उसके सन की विद्रोही दाहिने हाथ के बारे में है जो दुनिया को बचा रहा है अत्यधिक अनुशंसित पांच मैडहाउस द्वारा एनीमे अनुकूलन को आलोचकों और प्रशंसकों द्वारा समान रूप से सराहा गया एनिमेशन चरित्र चित्रण गति और एनीमे के साउंड ट्रैक के लिए प्रशंसा मिली 1978 नवंबर 2019 में क्रंचरोल ने पैरासाइट द मैक्सिम को अपने 2010 के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ एनीमे में सूचीबद्ध किया उनासी आईजीएन ने इसे 2010 के दशक की सर्वश्रेष्ठ एनीमे श्रृंखला में, में सूचीबद्ध किया अस्सी चीन पर प्रतिबंध 12 जून 2015 को चीनी संस्कृति मंत्रालय ने पैरासाइट को मुख्य भूमि चीन में प्रतिबंधित 38 एनीमे और मंगा शीर्षकों में सूचीबद्ध किया इक्यासी फिर भी पैरासाइट का लाइव एक्शन संस्करण 125 मिनट के विशेष कट का उपयोग करके मुख्य भूमि चीन के राष्ट्रव्यापी सिनेमाघरों में रिलीज होने में कामयाब रहा जिसमें भाग एक और भाग दो को संक्षिप्त किया गया बयासी नोट्स पैरासाइट द मैक्सिम के रूप में भी शैलीबद्ध किया गया है यह पत्रिका के जनवरी 1990 अंक में फिर से शुरू हुआ आठ पच्चीस नवंबर उन्नीस नवासी को प्रकाशित हुआ बारह यह पत्रिका के फरवरी उन्नीस सौ अंक में समाप्त हुआ आठ चौबीस दिसंबर उन्नीस सौ को जारी किया गया तेरह संदर्भ जिलक्यूंगचल बैड पुलिस एक 2019 दक्षिण कोरियाई एक्शन फिल्म है जो ली जियोंग बियोंग द्वारा लिखित और निर्देशित है मुख्य भूमिकाओं में ली सनक्यून जियोन सोनी पार्क हे जून और सौन्द यंग चांग अभिनीत निर्देशक के रूप में यह निर्देशक ली की चौथी फीचर लेंथ फिल्म है और नो टीयर्स फॉर द डेड के बाद उनकी पहली फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी 2014 फिल्म एक भ्रष्ट मानव वध जासूस की कहानी है जिसकी पुलिस गोदाम विस्फोट में संलिप्तता का संदेह है और साजिशकर्ताओं द्वारा पीछा किए जाने और हमला किए जाने के दौरान साजिश को उजागर करने के लिए एक किशोर लड़की की मदद लेती है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से वितरित यह फिल्म 20 मार्च 2019 को दक्षिण कोरिया में रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली एक्शन दृश्यों और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई लेकिन सिवोल फेरी घटना से संबंधित सबअप्लॉट के लेखन और कार्यान्वयन की आलोचना की गई यह एक व्यावसायिक विफलता बन गई जिसके नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति से पहले कुल दो लाख इकसठ हजार दो सौ अड़तालीस टिकटें बिक गईं तीन तीन मई दो हज़ार उन्नीस को इसे नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया गया था कथानक जो पिल हो एक अनसन आधारित भ्रष्ट मानव वध जासूस है उसका पैसा एक संदिग्ध रियल एस्टेट सौदे में फंस गया है आंतरिक मामले उसकी गर्दन को दबा रहे हैं हताश होकर उसने गीचुल की मदद से एक पुलिस गोदाम को लूट लिया उसका मुखबिर अपराध में अनिच्छुक भागीदार बन गया गीचुल के घुसने के बाद गोदाम में विस्फोट हो गया जिससे गिचुल की मौत हो गई और जो बेहोश हो गया घटनास्थल पर एक फायरमैन ने गिचुल का फोन चुरा लिया और उसे फॉरेंसिक रिकवरी के लिए एक अज्ञात पार्टी को सौंप दिया कथित आत्महत्या के अगले दिन गोदाम के मालिक का शव मिला एक शौचालय में फायरमैन की भी मौत हो गई यह पता चला है कि विस्फोट ने कई मिलियन डॉलर के घोटाले में तायसुंग समूह नामक सबसे बड़े कोरियाई निगम के सीईओ को शामिल करने वाले सभी सबूत नष्ट कर दिए जी के फोन में तायसुंग समूह के कर्मचारी कोन तायजू के विस्फोट से पहले गोदाम में घुसने का फुटेज है अस्पताल में जागने पर अधिकारियों द्वारा जो से पूछताछ की जाती है चूंकि वह संलिप्तता से इनकार करता है जो को पता चलता है कि विस्फोट से पहले गिचुल की हत्या कर दी गई थी जो गिचुल के अपार्टमेंट में जाता है जहां दोनों ने अपनी कमाई छिपा रखी थी लेकिन पैसे चोरी हो चुके थे जो सीसीटीवी फुटेज देखती है और गिचुल की प्रेमिका जंग में की पहचान करती है उसके कार्यस्थल पर उसकी मुलाकात मीना के करीबी दोस्त सोम वोन के पिता से होती है जी वोन एक महिला अधिकारी थी जिनकी सिवोल फेरी घटना में मृत्यु हो गई थी जो मीना को एक मोटल में ढूंढती है और उसे और उसके दोस्त सोही को पकड़ लेती है पूरी तरह से अपने पैसे वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने उन दोनों को अपनी कार में हथकड़ी लगा दी और मीना के पते पर चला गया मीना के दावे को नज़रअंदाज करते हुए कि उसे गिचुल से एक वीडियो संदेश प्राप्त हुआ था मीना जो को परेशान करती है जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सोही के साथ भाग जाती है ली ह्यून जन्म सात फरवरी 1980, जिन्हें उनके कभी कभार स्टेज नाम अवा से भी जाना जाता है एक दक्षिण कोरियाई गायिका और अभिनेत्री हैं उन्हें पहली बार अपनी पहली फिल्म में पुरस्कार विजेता भूमिका के साथ अपनी अभिनय क्षमताओं के लिए पहचाना गया था और अपने शानदार गायन करियर के साथ दक्षिण कोरिया के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में से एक के रूप में स्थापित हुई हैं उन्हें टेक्नो क्वीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कोरिया में तकनीकी संगीत शैली की शुरुआत की थी उद्धरण वांछित ली को विभिन्न आनों के लिए बदलते नए रूप के कारण परिवर्तन की रानी के रूप में भी जाना जाता है दो तीन उन्हें उन पहले कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने चीन में कोरियाई लहर हल्लियु पेश की और सनसनी फैला दी चार पांच कैरियर अभिनेत्री के रूप में ये जंग ह्यून ने 16 साल की उम्र में उन्नीस सौ छियानवे में ए पेटल में अभिनय की शुरुआत की जिसने चौंतीसवें ग्रैंड बेल अवार्ड्स सत्रहवें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और सोलहवें कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी बताती है जिसने पंद्रह साल की उम्र में ग्वांगजू विद्रोह का अनुभव किया और बाद के वर्षों में उसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा उन्नीस से ली को दक्षिण कोरिया जापान और चीन में परियोजनाओं के साथ कई अभिनय भूमिकाएं मिली हैं सात 2010 में ली ने चीनी श्रृंखला कन्फ्यूशियस में नानजी की भूमिका निभाकर अपने अभिनय कौशल को फिर से हासिल किया 2011 में ली ने पार्क चांद बुक और पार्क चांद क्योंग की पुरस्कार विजेता फंतासी लघु फिल्म नाइट फिशिंग में एक जादूगर की भूमिका निभाई जिसे पूरी तरह से एक आईफोन पर शूट किया गया था आठ नौ नाइट फिशिंग ने 2011 हज़ार ग्यारह बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोल्डन बियर जीता 2012 में ली में लीने आने वाली उम्र की फिल्म जुवेनाइल ऑफेंडर में एक अकेली मां की भूमिका निभाई दस जिसने क ओक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार जीता उन्हें 2014 की ब्लॉकबस्टर द एडमिरल रोअरिंग करंट्स में मुख्य कलाकारों में एकमात्र महिला किरदार के रूप में लिया गया था ली ने एस के नाटक द फैमिली इस कमिंग से टेलीविजन पर वापसी की ग्यारह 2015 में ली ने ब्लैक कॉमेडी फिल्म एलिस इन अर्नेस्टलैंड में अभिनय किया जिसने छत्तीसवें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और तीसरे वाइल्ड फ्लावर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता बारह इसके बाद ली ने दो हजार सोलह में बॉलिंग फिल्म स्प्लिट तेरह और दो हजार सत्रह में युद्ध फिल्म द बैटलशिप आईलैंड में अभिनय किया चौदह एक पांच एक छः दो शून्य एक नौ में ली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शैल में अभिनय करने वाले हैं इसे फिर से करें सत्रह दो हजार बीस में ली ने जॉम्बी फिल्म पेनिनसुला में अभिनय किया अठारह अगले वर्ष वह पार्क चांद वोक की रहस्यमय फिल्म डिसीजन टू लीव में दिखाई दी गायक के रूप में एक पुरस्कार विजेता अभिनय प्रदर्शन के साथ शुरुआत करने के बाद ली ने के पॉप दृश्य में तकनीकी शैली और प्रत्येक गीत के लिए अपनी नई नवीनीकृत शैलियों की शुरुआत करके अपने गायन करियर की शुरुआत की ली प्रत्येक रिलीज के लिए एक अद्वितीय व्यक्तित्व धारण करते हैं जैसे जलपरी बार्बी गुड़िया आदिवासी रानी सैनिक कोरियाई लोक नर्तक बेली डांसर या समुद्र की राजकुमारी पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई उपनाम मिले हैं जिनमें कोरिया की टेक्नो क्वीन परफॉर्मेंस आर्ट की रानी सुश्री करिश्मा लिटिल जाइंट और चेंज चेंजकिर आनी शामिल हैं उन्नीस बीस अपना पहला एकल संगीत जारी करने से पहले वह जो पीढ़ी के एकल फीवर में एक अतिथि गायिका के रूप में दिखाई दी जो संगीत वीडियो में भी दिखाई दीं वह गूफी के द रोल ऑफ द गेम के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी 21 उनका प्रारंभिक कार्य तकनीकी शैली का नृत्य संगीत है उनका पहला एकल व कम तीन सप्ताह तक कोरियाई चार्ट में शीर्ष पर रहा जबकि उनके दूसरे बकवेओ चेंज ने सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वाधिक प्रसारण गीत के लिए पुरस्कार जीते ये दो गाने पूरे एशिया और यूरोप के कलाकारों द्वारा कवर किए गए थे उनके पहले के कई गाने एक अस्वीकृत प्रेमी के नजरिए से गुस्से में गाए गए हैं इन दो एकल नेली को शीर्ष कोरियाई गायकों में से एक के रूप में स्थापित किया जिन्होंने अपने मजबूत रंगीन प्रदर्शन से पूरे एशिया में सफ लतापूर्वक लोकप्रियता हासिल की 2002 के आम चुनावों से पहले गायिका से राजनीतिक दलों ने पूछा था कि क्या वे अपने अभियानों में परिवर्तन का उपयोग कर सकते हैं जिससे उन्होंने इनकार कर दिया ने दिसंबर 2004 में अपनी शुरुआती हिटवा और हेवन के जापानी संस्करण जारी किए जनवरी 2005 के तीसरे सप्ताह में ओरिकॉन चार्ट पर एकल को 26 स्थान मिला हेवन कोरियाई नाटक ब्यूटीफुल डेज के लिए एक थीम गीत था यह नाटक जापान में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ 31 दिसंबर 2004 को ली को हेवन एंड वाकम ऑन प्रदर्शन करने और वार्षिक नववर्ष की पूर्व संध्या लाइव संगीत शो कोहाको उटागैसेन के पचपनवें संस्करण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था 2006 में उन्होंने अपना पहला जापानी एल्बम दिस इज योनी रिलीज की या बीजिंग ओलंपिक 2008 थीम सॉन्ग गाने में भाग लेने वाले पहले विदेशी थे दो 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 शून्य शून्य आठ में उन्होंने लव मी शीर्षक के साथ अपना पहला मंदारिन एल्बम जारी किया अपने पांचवें एल्बम पैशन के साथ उन्होंने स्पेनिश गिटार और फ्लेमिंग को शैली के टैप डांस के साथ लैटिन प्रभावित ध्वनि पर स्विच किया मई 2009 में उन्होंने अपना पहला कोरियाई मिनी एल्बम अवहोलिक रिलीज किया जिसमें क्रेज़ी वो गिट गर्ल और मिरो जैसे तीन गाने शामिल थे तेईस संगीत वीडियो क्रेज़ी को ब्रायन फ्रीडमैन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था 24 सितंबर 2009 में उन्हें क्लब आंसर सियोल दक्षिण कोरिया में लेडी गागा के द फेम बॉल टूर में उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था दिसंबर 2009 में ली ने कोरियाई टीवी नाटक आयरिस के साउंड ट्रैक के लिए अपना पहला गीत गाया गीत हाउ कैन आई होल्ड बैक टीयर्स उन्हें उनके 10 साल से धिक के गायन करियर में पहली बार गाथा गीत शैली में ले जाता है 2010 में उनका सातवां एल्बम 11 मई 2010 को शीर्षक गीत सस्पिशियस मैन के साथ जारी किया गया था इस शीर्षक एकल संगीत वीडियो में ली ने एक बार फिर छोटे सुनहरे बालों वाले एक प्रतिशोधी हत्यारे को पेश करके अपनी गतिशील प्रदर्शन सीमा दिखाई सातवें एल्बम का शीर्षक था शून्य शून्य सातवा दो में उन्होंने अपना एकल शीर्षक वी जारी किया जिसमें पार्क चांद बुक और पार्क चांद की द्वारा निर्देशित एक संगीत वीडियो में जिन गु शामिल थे जिनके साथ उन्होंने पहले नाइट फिशिंग पर काम किया था 25, 26, 27 सांस्कृतिक राजदूत अगस्त 2007 में गायिका अभिनेत्री ली यूनेस को यूनेस्को सद्भावना राजदूत नामित किया गया था 28, 22 जून 2012 को लीको कोरिया चीन सांस्कृतिक उद्योग सम्मेलन जिसे सिकॉन कहा जाता है के लिए मानद राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था 29 तीस व्यक्तिगत जीवन ली ने 2019 में एक निजी समारोह में आर्थोपेडिक डॉक्टर पार्क यूजंग से शादी की 31 बत्तीस फन स्टोरेंट में स्टार स्टॉप रेसिपी में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके पति जिनके चेहरे को गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण सेंसर किया गया था को बच्चा अंततः 2023 में शो में उनकी पुनः उपस्थिति पर उनका चेहरा सामने आया तैतीस सात दिसंबर 2021 को ली ने अपने यूट्यूब चैनल पर घोषणा की कि वह गर्भवती हैं 34 तेईस अप्रैल 2022 को ली की एजेंसी ने पुष्टि की ली ने बीस 20 अप्रैल 2022 को अपनी पहली बेटी सीओ आह को जन्म दिया है 35. संगीत आर्केड गेम में ली के संगीत को रिदम गेम्स में दिखाया गया है वह और बक्वो को कोरियाई नृत्य खेल लेट्स डांस और टेक्नो मोशन में शामिल किया गया था इन गानों को डांस डांस रेवोल्यूशन तीन आर डी मिक्स के कोरियाई रिलीज के साथ साथ डांस डांस रेवोल्यूशन चार एथमिक्स गेम्स में भी प्रदर्शित किया गया था इसके अलावा नोह मिक्स कोई जेड दो डांसर में प्रदर्शित किया गया था उसका गाना आओ पंप इट अप एनेक्स एप्सोल्यूट डांस मशीन में दिखाया गया है इसमें एक लघु चीनी संस्करण और पूर्ण गीत संस्करण दोनों दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में आई विल गिव गोइंग क्रेजी और अन्य गाने ऑडिशन एक ऑनलाइन डांस रिदम गेम पर दिखाए जाते हैं छत्तीस डिस्कोग्राफी मुख्य लेख ली जंग ह्यून डिस्कोग्राफी कोरियाई लेट्स गो टू माई स्टार उन्नीस सौ निन्यानवे ली जंग ह्यून टू दो हजार मैजिक टू गो टू माई स्टार दो हजार एक मैं प्राकृतिक दो हजार दो जुनून दो हजार चार शानदार लड़की दो हजार ली जंग ह्यून शून्य शून्य सात व दो हजार दस द कोरिया हेराल्ड के यूमिन सिक ने मुख्य अभिनेताओं के बीच एक्शन और कुछ हास्य की प्रशंसा की लेकिन मुख्य रूप से सिवोल फेरी घटना से संबंधित एक सबअप्लॉट को शामिल करने की आलोचना की क्योंकि फ़िल्म इसके बारे में नहीं थी दस कॉमन सेंस मीडिया के ब्रायन कोस्टेलो ने महसूस किया कि फ़िल्म की कहानी में अच्छे मोड़ थे लेकिन उन्हें लगा कि नैतिक अस्पष्टता का विषय कई एक्शन फ़िल्मों में किया गया था और यह एक बम्बारी एक्शन फिल्म की तरह महसूस हुई जो कई बार सभ्य थी लेकिन एक डेजा वो की भावना ग्यारह योनहाप समाचार एजेंसी के शिमसन आह ने एक्शन दृश्यों और मजाकिया पंक्तियों की प्रशंसा की लेकिन महसूस किया कि फिल्म के परिचय और अंत के दृश्य लंबे और भ्रमित करने वाले थे और दर्शकों को एक व्यावसायिक एक्शन फिल्म के रूप में इसकी पहचान की याद दिला दी बारह बॉक्स ऑफिस 20 मार्च 2019 को रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही और अपने पहले सप्ताहांत में एक लाख चौबीस हजार एक सौ चौहत्तर प्रवेश दर्ज किए पहले सप्ताह में कुल एक लाख नवासी हजार छह सौ चार प्रवेश हुए इसे मनी से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा जो उसी तारीख को खुला और पहले सप्ताह में एक पाँच सौ छत्तीस चार प्रवेश दर्ज किए गए तेरह दूसरे सप्ताह में अस की रिलीज के बाद जो मनी के साथ नंबर एक स्थान पर रही फिल्म में गिरावट देखी गई जब इसकी रैंकिंग छठे स्थान पर गिर गई और सप्ताहांत में प्रवेश की संख्या सत्रह हजार दो सौ चौरानवे हो गई दूसरे सप्ताह में इसने दो लाख चौवन हजार चार सौ इक्यावन किए चौदह पंद्रह लीटर सनक्यून कोरियाई दो मार्च उन्नीस सौ पचहत्तर सत्ताईस दिसंबर दो हज़ार तेईस एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बोंग जून हो की अकादमी पुरस्कार विजेता फ़िल्म पैरासाइट 2019 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था जिसके लिए उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता था उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए एक ली ने 2000 में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की और टीवी नाटकों और संगीत थिएटर में प्रदर्शन किया कॉफी प्रिंस और बिहाइंड द वाइट टावर दोनों 2007 नाटकों ने ली को मुख्यधारा की लोकप्रियता दिलाई जिसके बाद उन्होंने पास्ता 2010, गोल्डन टाइम 2012 हजार बारह और माई मिस्टर 2018 के साथ लोकप्रियता हासिल की इस बीच बड़े पर्दे पर उन्हें पाजू 2009 में उनकी भूमिका के लिए लास पालमास ग्रैंड कैनरिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला इसके बाद मिस्ट्री थ्रिलर हेल्पलेस 2012, रोमांटिक कॉमेडी ऑल अबाउट माई वाइफ के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली 2012 और क्राइम बटा ब्लैक कॉमेडी हार्ड डे 2014 हज़ार चौदह निर्देशक होंग सांगसू के साथ भी सहयोग करना जारी रखा और होंग के साथ उनकी कलात्मक फ़िल्मों में नाइट एंड डे 2008 हज़ार ओकी मूवी 2010 और नोबडीज डॉटर हेवॉन 2013 शामिल हैं सत्ताईस दिसंबर 2023 को ली की 48 वर्ष की आयु में कार्बन मोनोक्साइड विषाक्तता से मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु के समय ली की कथित नशीली दवाओं के सेवन के लिए जांच की गई थी दो प्रारंभिक जीवन ली सुनक्यून का जन्म 2 मार्च 1975 को सियोल में हुआ था तीन चार उन्होंने उन्नीस सौ चौरानवे में कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और ललित कला स्नातक के साथ इसके स्कूल ऑफ ड्रामा की पहली कक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की पांच छः कैरियर दो शून्य 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 दो शून्य एक दो अभिनय की शुरुआत ली ने दो की लघु फिल्म साइको ड्रामा में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की सात दो हज़ार एक में उन्होंने स्टेज म्यूजिकल द रॉकी होरर शो में ब्रैड मेजर्स के रूप में अपने स्टेज अभिनय की शुरुआत की आठ और सिटकॉम लवर्स में अपना टेलीविजन डेब्यू किया पांच ली अंततः अंत हजार में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मेडिकल ड्रामा व्हाइट टावर और अत्यधिक लोकप्रिय रोमांटिक श्रृंखला कॉफी प्रिंस से अपनी सफलता हासिल की नौ उन्हें 43वें बैक्सान कला पुरस्कार के दौरान टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था सात कॉफ़ी प्रिंस के अलावा उन्होंने निर्देशक ली यून जंग के साथ दो बार काम किया 2005 में खेल थीम वाले तायरोंग नेशनल विलेज में और 2009 में स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा ट्रिपल में दस अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद ली ने अपनी अभिनय क्षमता को निखारने के लिए कम बजट की कलात्मक फिल्मों की ओर रुख किया वह होंग सामसू द्वारा निर्देशित फिल्मों में दिखाई दिए जैसे नाइट एंड डे लॉस्ट इन द माउंटेन पोकी मूवी नोबदीज डॉटर हेवॉन और अवर सुनही। होंग अपनी फिल्मों में सामान्य जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे आठ लीटर ने पाजू को भी शीर्षक दिया ग्यारह जिसके लिए उन्होंने स्पेन में आयोजित पालमास डी ग्रैंड कैनरिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म वितरक मायूम फिल्म ने निर्णायक समिति के हवाले से कहा कि ली को अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार करने के कारण उनके किरदार द्वारा महसूस की गई पीड़ा को चित्रित करने के लिए उच्च अंक दिए गए बारह लीने पास्ता में अपनी सौमय टीवी नाटक छवि को सफलतापूर्वक हटा दिया जहां उन्होंने एक शानदार लेकिन आक्रामक शेफ की भूमिका निभाई तेरह श्रृंखला की लोकप्रियता ने उन्हें एक विश्वसनीय रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति बना दिया चौदह पंद्रह सोलह पेटी रोमांस ने उन्हें अपने माई स्वीट सियोल के सह कलाकार चोई कांगही सत्रह अठारह उन्नीस और वन अपमैनशिप एक्शन कॉमेडी ऑफिसर ऑफ द ईयर जिसे अरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है के साथ फिर से जोड़ा किंग ने जल्द ही पीछा किया बीस इक्कीस ली ने अवर स्लाइटली रिस्क रिलेशनशिप में अभिनय करके ड्रामा स्पेशल पूर्व में ड्रामा सिटी के पुनुद्धार के लिए अपना समर्थन दिखाया उनके अभिनय को बाद में केबीएस ड्रामा अवॉर्ड्स में मान्यता मिली उन्होंने अपने करियर में इसके योगदान को स्वीकार करते हुए युवा प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में लघु नाटक प्रारूप के महत्व का लगातार बचाव किया बाईस दो शून्य एक दो दो शून्य एक साथ बढ़ती सफलता 2012 में उन्होंने लगातार दो अच्छी तरह से समीक्षा की गई बड़ी स्क्रीन हिट फिल्मों में अभिनय किया मिस्ट्री थ्रिलर हेल्पलेस तेईस और रोमांटिक कॉमेडी ऑल अबाउट माई वाइफ चौबीस पच्चीस पास्ता के निर्देशक क्वोन सेओक जान के साथ दोबारा जुड़कर ली ने गोल्डन टाइम में एक ट्रॉमा डॉक्टर की भूमिका निभाई छब्बीस कोन के साथ उनका तीसरा सहयोग मिस कोरिया था जो 1990 के दशक में आईएमएफ संकट के बीच एक नाटक था सत्ताईस अट्ठाईस ये 2013 में माइक बाटलेट के स्टेज प्ले लव 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 में पत्नी जियोन हाई जिनके साथ थिएटर में लौटे उनतीस अगले वर्ष उन्होंने फिल्म ए हार्ड डे में अभिनय किया जो डायरेक्टर्स फोर्ट नाइट सेक्शन में प्रदर्शित हुई 2014 हज़ार चौदह कांस फिल्म फेस्टिवल और बॉक्स ऑफिस पर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्लीपर हिट बन गई तीस तीन एक तीन दो दो शून्य एक पांच में लीने कोर्टरूम ड्रामा फिल्म दी एडवोकेट ए मिसिंग बॉडी में अभिनय किया तैंतीस चौंतीस अक्टूबर 2016 में ली दो शून्य एक आठ दो शून्य दो तीन टेलीविजन पर वापसी और पुनरुत्थान 2018 में ली में लीने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला माई मिस्टर में अभिनय किया पैंतीस छत्तीस उसी वर्ष उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म टेक पॉइंट में अभिनय किया तीन सात दो शून्य एक नौ में ली ने कानूनी टेलीविजन श्रृंखला प्रोसिक्यूटर सिविल वॉर में अभिनय किया अड़तीस दोस्तों ये एक के ड्रामा है और कोरियन लैंग्वेज में से बनाया गया है और हिंदी के अंदर इसे डब किया गया है और साथ ही साथ और भी रीजनल लैंग्वेज में से प्रोवाइड कराया जाएगा बाकी ये एक पाँच तारीख से पाँच अप्रैल दो हजार चौबीस से हमें देखने को मिल जाएगा तो आप इसे जाकर चेकआउट कर सकते हो नेटफ्लिक्स पर यदि आप बाद में से वीडियो देख रहे हो तो आप अपना रिव्यू भी नीचे लिख सकते हो ताकि और लोग भी एक तरह से इसके लिए एक तरह से देखना अपना टाइम बचा सके और बाकी वैसे तो टीजर डी टेलर से झक्का समान हमें देखने को मिलने वाला है और ये के ड्रामा इस महीने का फर्स्ट के ड्रामा होने वाला है बाकी कंटिन्यू हमें देखने को मिलने वाला है और कंटिन्यू वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बलाईगर न पाकर इस एल्बम सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी कम वीडियोज है वो आप तक पहुँचती रहे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में